ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसमें बताए गए सारे इंफॉर्मेशन 100% सच है। कोरोना वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है, ये एक ऐसी वायरस की फैमिली है जिसके कारण आपको मामूली जुखाम से लेकर सार्स तथा सिवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक हो सकता है। और ये वायरस इतनी तेजी से अपने आप को बदल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसी वायरस फैमिली का एक म्यूटेड वर्जन सामने आया है 2019 में चाइना के वुहान शहर में, जिसका नाम दिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2। और इसके कारण जो बीमारी हो रहा है उसे कोविड-19 का नाम दिया गया है। उस वक्त मुझे ये बात पता तो था, लेकिन फिर भी मैं अपने 7 दिन का चाइना का ट्रिप करके घर लौट रहा था। मुझे लगा था मैं वुहान तो नहीं जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश था, घर पे दादाजी अकेले थे, मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मौसी के घर गए हुए थे। मेरे और मेरे दादाजी के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। कुछ भी हो मैं सबसे पहले दादाजी से शेयर करता था, वो मेरे दादाजी कम दोस्त ज़्यादा थे। घर जाकर मैंने दादाजी से अपने पूरे ट्रिप के बारे में सारी कहानियाँ सुनाने लगा, कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या किया, सब कुछ। पहले 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन सुबह से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि कुछ दिन पहले ही ट्रिप से आया हूं, इसीलिए उसका आफ्टर इफेक्ट हो रहा है शायद। शाम को मुझे बुखार चढ़ गया, तापमात्रा 101 डिग्री फारेनहाइट दिखा रहा था और रात तक वो बढ़कर 103 हो गया। दादाजी ने मुझे नॉर्मल बुखार का दवाई देकर सुला दिया। अगले दिन सुबह बुखार तो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मेरे नाक बहना चालू हो गया था, खांसी भी हो रही थी और उसके साथ साथ सांस लेने में भी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। दादाजी ने मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सिम्टम्स सुन के मुझे टेस्ट करवाने बोला और मुझसे अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछने लगा। मैंने बताया कि मैंने 4 दिन पहले ही चाइना से ट्रिप करके वापस आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया उस ट्रिप के दौरान मुझे पता भी नहीं चला कब वो वायरस मेरे अंदर चला गया। टेस्ट रिपोर्ट में मेरा कोविड-19 पॉजिटिव आया हुआ था। डॉक्टर का पहले से ही शक था। मुझे फौरन आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया। तब तक मेरे मम्मी पापा भी आ चुके थे। मुझे अपने घर वालों के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा था। 2 दिन बाद मैंने सुना दादाजी की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, उनका भी टेस्ट करवाया गया और उनका भी टेस्ट रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव आया। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर्स मेरे दादाजी को नहीं बचा पाए। मेरे लापरवाही की वजह से मैंने अपने दादाजी को खो दिया था। ये बोझ लेकर मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताना था। मेरी तरह ये गलती आप लोग मत दोहराइएगा। ये बीमारी बहुत से लोगों के जाने ले चुके हैं। हो सकता है आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर आपको बचा ले, लेकिन आपके घर के जो बुजुर्ग इंसान है वो शायद इसे झेल ना पाए। इसीलिए सतर्क रहिए, जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी लापरवाही की वजह से आपके अपने किसी की भी जान चली जाए तो आप अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बी सेफ, थैंक यू।